सबसे पहले हम देखेंगे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स. इट इज इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दो सिंपल एक्सपेरिमेंट्स दैट लेड टू ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस. बहुत सिंपल और बहुत इजी इजी इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी. जोसेफ प्रिस्टले इन 1770 परफॉर्मड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दैट रिवील्ड एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स. इसने मेनली ऑक्सीजन के बारे में बताया था. प्रिस्टले यू मे रिकॉल डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774. 1774 में प्रिस्टले ने ऑक्सीजन डिस्कवर किया. देखो इसका बेसिकली एक्सपेरिमेंट ये था कि सबसे पहले इसने चूहा और कैंडल रखी. अभी ये कैंडल भी CO2 रिलीज कर रही है, चूहा ब्रीदिंग करके CO2 रिलीज कर रहा है, और फिर एक पॉइंट आने के बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी ना. ये दोनों ऑक्सीजन कंज्यूम कर ले, ये बर्निंग कैंडल भी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है और चूहा भी. फिर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, सिर्फ CO2 बचेगी, तो चूहा मर गया, कैंडल भी बुझ गई, अब बस इसमें CO2 ही बची है. फिर इसने क्या किया, एक प्लांट रख दिया यहाँ पे लाके, सेम एक्सपेरिमेंट में. तो प्लांट लाके रख दिया, तो अभी चूहा और कैंडल CO2 रिलीज कर रहे हैं, तो वो CO2 यूज कर रहा है प्लांट, और प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है वो ऑक्सीजन यूज हो रही है बर्निंग कैंडल के लिए और चूहे के लिए. तो इसलिए चूहा भी नहीं मरा और कैंडल भी नहीं बुझी. तो ये उसने डिस्कवर किया था. प्रिस्टले ऑब्जर्व दैट कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज प्लेस अ बेल जार सून गेट्स एक्सटिंग्विश्ड. सिमिलरली अ माउस वुड सून सफोकेट इन अ क्लोज प्लेस. ही कंक्लूडेड दैट अ बर्निंग कैंडल और एन एनिमल दैट ब्रीथ द एयर बोथ समहाउ डैमेज द एयर. But when he placed a mint plant in same bell jar, he found that mouse stayed alive and the candle continued to burn. Oxygen ki wajah se. Priestley hypothesized as follows: plants restore the air whatever breathing animals and burning candles remove. Plants restore kar lete hain us air ko. Ye isne bola tha. First experiment ho gaya. Using a similar setup as the one used by Priestley, but by placing it once in dark and once in sunlight. Jan Ingenhouse ne sunlight ka importance bataya tha. showed that sunlight is essential to plant process that somehow purifies the air fooled by burning candles or breathing animals. Ingenhous in an elegant experiment with aquatic plants showed in bright sunlight small bubbles were formed around the green part while the dark they did not. उसने क्या किया था कि ऐसा एक aquatic plant लिया और यहाँ पे dark, रुको पेन ही लेना पड़ेगा, ये dark में रखा एक part और ये सपोज लाइट में रखा, और पानी में अभी वो प्लांट है. ओके और उसने ये ऐसे डार्क और लाइट में रखा, उसने देखा यहाँ पे बबल्स फॉर्म नहीं हो रहे, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे बबल्स फॉर्म हो रहे हैं ऑक्सीजन के. तो उसने बताया कि सनलाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होगा, सनलाइट के एब्सेंस में नहीं. स्मॉल बबल्स वर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट्स व्हाइल इन द डार्क दे डिड नॉट. डार्क में नहीं बने. लेटर ही आइडेंटिफाइड दीज बबल्स टू बी ऑफ ऑक्सीजन. हेंस ही शोड दैट इट इज ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन. इट वाज नॉट अंटिल अबाउट 1854 जूलियस वॉन सैक्स. देखो जूलियस वॉन सैक्स ये वही हाइड्रोपोनिक्स वाला बंदा है. सबसे पहले हमने प्रिस्टले ने देखा, उसने ऑक्सीजन का बताया, इंजन हाउस ने देखा, इंजन हाउस ने हमको सनलाइट का बताया, फिर अभी ये क्या बता रहा है. देखो जूलियस वॉन सैक्स प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो. इसने ग्लूकोज का एविडेंस बताया था. ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च. हिज लेटेस्ट स्टडीज शो दैट ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट्स वो तो क्लोरोफिल. इसने ये भी चीज बताई कि जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट जैसे सब्सटेंस में स्टोर्ड होती है. क्लोरोफिल एज वी नो इट नाउ इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज लेटर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विद इन प्लांट सेल्स. ही फाउंड दैट ग्रीन पार्ट्स इन प्लांट वेर ग्लूकोज इज मेड एंड दैट द ग्लूकोज इज यूजली स्टोर्ड एज स्टार्च. ये भी चीजें इसी ने बताई थी. आपको याद रखना है कि कौन सा साइंटिस्ट क्या काम करके गया, बिकॉज इस पे भी क्वेश्चन आते हैं. नाउ कंसिडर इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय TW एंगलमैन. देखो इसने एंगलमैन ने क्या किया, यूजिंग अ प्रिज्म ही स्प्लिट लाइट इनटू स्पेक्ट्रल. देखो क्या किया इसने, इसमें इसने प्लांट ले लिया है, ये हमारा प्लांट है, ओके एक्वाटिक प्लांट लिया. फिर हमने सपोज लाइट डाली, पूरे प्लांट पे हमने लाइट डाल दी. कौन से कलर की लाइट को हमने प्रिज्म यूज करके स्प्लिट किया, उतना पता ही होगा आपको कैसे होता है वो. और फिर बना विब क्योर. विब क्योर का वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, पता नहीं होगा तो राइम्स भी सुनाऊं. हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि हमने फिर प्रिज्म से लाइट को स्प्लिट किया, सेवन कलर्स की लाइट बनी.
फिर इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो ऑक्सीजन है ज्यादा, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, वो है रेड वाले एरिया में। इस टैंक में इसने छोड़ दिए थे एरोबिक बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन पसंद है। ओके, इसने एरोबिक बैक्टीरिया इस पूरे टैंक में छोड़ दिए। अभी जहां पे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा एरोबिक बैक्टीरिया वही जाएंगे। तो इसने ऑब्जर्व किया कि एरोबिक बैक्टीरिया आर वाले रेड वाले एरिया में है ज्यादा और ब्लू वाले एरिया में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है रेड और ब्लू लाइट में, ये बताया हमें TW एंगलमैन ने। फ्रैक्टल कंपोनेंट्स एंड देन इल्यूमिनेटेड द ग्रीन एल्गा, इसने क्लैडोफोरा यूज किया था, याद रखना। क्लैडोफोरा किसने यूज किया? TW एंगलमैन ने। प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट साइट्स ऑफ ओटो इवोल्यूशन। ओटो कहाँ से इवॉल्व हो रही है वो देखने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया डाले। ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया अक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ स्प्लिट ऑफ स्पेक्ट्रम। अ फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दस डिस्क्राइब्ड। इट रिजेंबल्स थ्रू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। ए एंड बी का क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये बता रहे हैं। बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी द की फीचर्स ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस वर नोन, नेमली दैट प्लांट्स कुड यूज लाइट एनर्जी टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम CO2 एंड वाटर। द एम्पिरिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग टोटल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिजम्स वॉज देन अंडरस्टूड एज, देखो सबसे पहले ये वाली इक्वेशन आई थी कि CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाइट की प्रेजेंस में मिलके ये फूड बनाते हैं। दिस इज फूड, CH2O, ये बेसिक फॉर्मूला है। अभी O के बाहर वाले ब्रैकेट में, बाहर ब्रैकेट के जो भी नंबर आएगा ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, तो पूरा फॉर्मूला बन जाएगा O2। पहले ऐसे अंडरस्टूड था फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन, वेयर CH2O रिप्रेजेंट अ कार्बोहाइड्रेट मतलब फूड, एग्जाम्पल ग्लूकोज और 6 कार्बन शुगर। अ माइलस्टोन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस वॉज दैट मेड बाय अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट कॉर्नेलियस वॉन नील। देखो इसने अभी बहुत अच्छी बात बताई है, इसने ये बात बताई कि पहले ऐसा माना जाता था कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो CO2 की है, बट द फैक्ट इज ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो वाटर की होती है, H2O होता है ना H2O, तो ये वाली ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है ना कि CO2 वाली ऑक्सीजन जो प्लांट्स बाहर छोड़ते हैं। तो इसने ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम बाद में। तो इसने प्रूव किया, इसने है ना एक इसमें H2O की जगह H2S यूज किया, H2S। अब H2O यूज करेंगे तो O रिलीज हुआ ही नहीं, सल्फर रिलीज होने लगा। तो ऐसे इसने बताया कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर से आ रही है, CO2 से नहीं। हु बेस्ड ऑन स्टडीज ऑफ पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम अ सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज H2A, CO2, H2A लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे O भी हो सकता है, यहाँ पे S भी हो सकता है, यहाँ पे हो भी सकता है कुछ और। तो 2A, 2A रिलीज होगा, O2 रिलीज होगा अगर O रहा तो, H2 रिलीज होगा अगर S रहा तो। C, H2 मतलब ये कार्बोहाइड्रेट अपना और ये वाटर, तो ये वाली रिएक्शन सेकेंड सामने आई थी। नेक्स्ट है, इन ग्रीन प्लांट्स H2O इज हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज टू O2। सम ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिलीज O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस व्हेन H2S। अभी जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरियाज है वो सल्फर रिलीज करते हैं ऑक्सीजन नहीं, व्हेन H2O इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन डोनर फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर और सल्फेट डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिज्म एंड नॉट O2। हेंस ही इन्फर्ड दैट O2 इवॉल्व्ड बाय द ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम H2O, H2O से आता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। ये किसने बताया? कॉर्नेलियस वॉन नील। दिस वॉज लेटर प्रूव्ड बाई यूजिंग रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स। द करेक्ट इक्वेशन दैट वुड रिप्रेजेंट ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज देयरफॉर। देखो ये फोटोसिंथेसिस की ओवरऑल रिएक्शन है, 6 CO2 और 12 H2O डालने के बाद हमें मिलता है 1 ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है C6H12O6, इतना पता ही होगा, और ये है 6 H2O और 6 O2। तो ये है पूरी रिएक्शन वेयर C6H12O6 रिप्रेजेंट ग्लूकोज, द O2 रिलीज फ्रॉम वाटर। दिस वॉज प्रूव्ड यूजिंग रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स। यही बोला ना इन्होंने, कितनी बार बताएंगे।
Note that this is not a single reaction but description of multi-step process called photosynthesis. So thank you. Bye bye.